गुलरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में 2 अप्रैल को पूर्व प्रधान ब्रजेश सिंह की गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन के मेज सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि 2 अप्रैल को ब्रजेश सिंह पुत्र स्वर्गीय गुप्तेश्वर सिंह निवासी नारायणपुर थाना गुलरिया की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें विनय, पवन, सुनील श्रीवास्तव, राम समुज व 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना से नामजद अभियुक्तों विनय श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव की नामजदगी गलत पाई गई तथा घटना में शामिल अभियुक्तों बहादुर चौहान, जितेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार गुप्ता, दिवाकर सिंह उर्फ गोलू, राजवीर व सतनाम का नाम प्रकाश में आया, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 11 अप्रैल को घटना में शामिल अभियुक्त राम समुज पुत्र हरिवंश, बहादुर चौहान पुत्र सरजू चौहान, जितेंद्र सिंह पुत्र जोखन सिंह, कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र विंध्याचल गुप्ता, दिवाकर सिंह उर्फ गोलू पुत्र राधेश्याम सिंह को गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, असलहा, तमंचा व मोटरसाइकिल को बरामद किया है। जबकि 2 अभियुक्त अमृतसर पंजाब निवासी सतनाम सिंह उर्फ छुद्दू उर्फ शैलेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय फुलवंत सिंह और राजवीर उर्फ राजू उर्फ मलक सिंह पुत्र रचपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन पर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, भैया बहरवा कर तुम कर्फ्यू को लेके पहले जो लॉकडाउन के दौरान जो जो बैरियर्स लगा के किया है वो पुनः लागू किया जाएगा। तो वो अभी जारी कर अभी इनको ये थोड़ा फ्री हो जाए मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए ये 2 तारीख को एक ब्रजेश सिंह नाम के व्यक्ति का नारायणपुर थाना गुलरिया में 3 अज्ञात बाइक सवार के द्वारा गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिलते ही मौके पर हम सब लोग तुरंत पहुंच के उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किए थे, जिसमें 4 टीमें अलग अलग गठित किए गए थे। उसकी सफलता मिली है, जिसमें ये पता चला है कि ब्रजेश सिंह की जो हत्या एक ज़मीनी विवाद के चलते हुई है और उन्हीं के जो नारायणपुर में एक राम समुज नाम के व्यक्ति का ज़मीन को लेके इनसे विवाद था। राम समुज ने एक बहादुर चौहान एवं जितेंद्र नाम के व्यक्ति को ज़मीन अग्रीमेंट कराया है और उनको बता दिया कि ज़मीन आप न्यायालय से लड़के ले सकते हैं तो ले लें। तो इसी क्रम में काफ़ी इनके आपस में मुकदमाबाजी चलती रही है। तो बहादुर चौहान एवं जितेंद्र ने प्लानिंग बनाया है कि इनको ठीक चुनाव से पहले हत्या किया जाएगा ताकि ये पूरा मामला पंचायत चुनाव पर डाइवर्ट हो जाए। इसी क्रम में बहादुर चौहान एवं जितेंद्र ने पंजाब से शूटर बुलाया है और रेकी करके 2 तारीख की रात में जैसे इन्होंने अपने कार्यालय से निकल के अपने घर के ओर जा रहे थे तभी इनको इनके ऊपर हमला करके इनका मर्डर किया है। इसी घटना में जो संबंधित 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें राम समुज पुत्र हरिवंश ये नारायणपुर के रहने वाले हैं जिनसे ज़मीनी विवाद चल रहा था, एक बहादुर चौहान पुत्र सरजू चौहान ये पिपराइज का रहने वाला है, एक जितेंद्र सिंह पुत्र जोकन सिंह ये ताना पनियारा महाराजगंज के रहने वाले हैं। इसके अलावा इस घटना में सहयोग के रूप में कृष्ण कुमार एवं दिवाकर सिंह उर्फ गोलू ये दोनों अरेस्ट हुए हैं। टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो 3 लोग गोली चलाने में थे उनमें से जितेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया है, उनके साथी सतनाम एवं राजवीर जो पंजाब के रहने वाले इनके लिए दबिश है तो टीम पंजाब गई हुई है। अभी तक इनके संबंध में लगातार दबिशें दी जा रही है। इनके ऊपर 25,000 के इनाम मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी ये लोग भी गिरफ्तार होंगे।